खाले का रे मैं एवडे मन का आवाज करना का अंधार है दिस ना अंधार शक्य सब आवाज करना टाती बग मम्मी फुसफुस करा ले वरी आवाज है पर मैं कहता है बरनी मागे प्लास्टिक ची बरनी दया बरनी काय धरला ये खाली बरनी घेऊन आता मजा म्हणजे प्लास्टिक ची कुठे बरनी आली ते हा एक मिनिट ठीक आहे प्लास्टिक राऊंड ने हवा नहीं क्या था नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राणी मित्र श्रीकांत तांबोळी और मेरे साथ प्राणी मित्र सुमित दोंडे। हम दोनों ने कल रात को एक सांप को रेस्क्यू कर लिया था जिसको आपने वीडियो में तो देखा ही होगा। तो आज इस सांप को जो है हम यहाँ पर रिलीज करने के लिए यहाँ पर लेकर आए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से जो है ये सांप अपनी आवाज़ से डराने की कोशिश कर रहा है। तो जिस सांप को मैंने रेस्क्यू कर लिया था जो है इस भरने में इस वक्त इसी पास से आप इसका कलर देख सकते हो। थोड़ी देर बाद मैं इसे बाहर भी निकाल कर आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसको निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं बाहर निकालने के बाद अगर इसके बारे में जानकारी देना दूंगा तो शायद मेरे लिए खतरा महसूस हो सकता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले इस सांप का जो नाम है ये जानने की आप कोशिश कीजिए। ये सांप जो है एक रसल स्वाइपर सांप है, अंग्रेजी में इसे रसल स्वाइपर और किताबी भाषा में इसे घुनस नाम से जाना जाता है। और हमारे यहाँ पर लोकल एरिया में जैसे कि गाँव में शहरों में
ज्यादा करके परण नाम से भी जाना जाता है। तो परण नाम जो है इसका काफी लोगों को पता है और परण नाम के सांप से बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई है, जैसे कि ये सांप जो है इस वक्त जैसे जिस तरह से आवाज निकाल रहा है तो इसकी इस आवाज को कई लोग जो है फूकना कहते हैं, यानी कि इस सांप जो है जब भी इसके आसपास कोई जाएगा तो ये फूक मारेगा और फूक मारने से इंसान का शरीर सूजने लगता है, फूलने लगता है। इस तरह की गलतफहमियां लोगों के अंदर भर चुकी है। तो इस तरह की कोई भी बात ना होकर ये सरासर गलत बात है दोस्तों। इस सांप के काटने की वजह से ही जो है इसका जहर जब इंसान के अंदर चला जाता है तभी इसके जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी कि जहर फैलने लगता है, इंसान को इंसान के जो है जान जाने की खतरा बना रहता है। तो इसके फूक वजह से किसी भी चीज़ का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये फूक ना मारते हो मारकर ये अपनी आवाज़ से सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए अभी मैं इसे बाहर निकल रहा हूँ और हमेशा इस तरह के सांप को पकड़ने के लिए आप किसी स्टिक का इस्तेमाल करें जो कि इस वक्त मेरे हाथ में आप मौजूद है, जिससे आप हमेशा जो है सावधानी से सांप को रेस्क्यू कर पाएंगे। तो देखिए अभी इस सांप को मैं बाहर निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी इसे मैं बाहर निकालने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इसके कलर पर ध्यान दीजिएगा, कितना दिखने में काफी सुंदर सांप है और अग्रेसिव, बड़ा ज्यादा अग्रेसिव होता है। देखिए जड़ से को काटने की कोशिश ये कर लेता है, इसलिए इसके आसपास जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस वजह से इस तरह की स्टिक हमेशा हाथ में रखिए, जिससे आप इस सांप को हैंडल कर पाएंगे। सहारे पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा पास में लाकर इसकी कलर पे भी आपको मैं ध्यान से दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से जो अंडाकृति आकार की जो है इसके ऊपर चेन बनी हुई है, जिसके दोनों साइड से जो है राउंड शेप में जो है सर्कल बने हुए हैं और जो उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर एक अंडाकृति चेन बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो ये चेन बनी हुई है ये एक ब्लैक कलर की चेन और उसके साइड से जो है एक गोल्डन टाइप का आपको सर्कल दिखाई देगा और कलर जो है इसका थोड़ा स्किन कलर की तरह दिखाई देता है, पीला पीला या स्किन कलर टाइप आप जिसे कह सकते हो। और इसके सिर के ऊपर भी आप ध्यान से देख सकते हो, इसका सिर जो है एक त्रिकोणी आकार का दिखाई देगा। तो ज़रा सा आप पास में से आप देख सकते हो इसे, इसके सिर पर आप ध्यान से देखिए एक त्रिकोणी आकार का इसका जो है सिर आपको दिखाई दे रहा हो। तो इसी तरह इस सांप की जो है पहचान की जा सकती है। ये एक बेबी रसल स्वाइपर है जो कि पकड़ने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जितना भी छोटा सांप यानी कि छोटे साइज का सांप होता है उतना ही मुश्किल पकड़ने के लिए ये होता है, क्योंकि उसे तुरंत अगर ये काटने की कोशिश करेगा तो आसानी से हाथ पर आ सकता है, यानी कि हाथ पर इसका जो है अटैक एकदम से ये कर सकता है। इसलिए इस सांप को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से ऐसे सांप को हमेशा आप दूर रहे, यही आप सबसे गुजारिश है दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि सांप के अंदर जो है एक हीमोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो कि इंसान को काटने के बाद धीरे धीरे इंसान की जो जहां पर काटी हुई जगह है वहां पर सूजन आना, धीरे धीरे से उसकी जो स्किन है वो फूलने लगती है, दांत मसूड़े से खून बहने लगता है, आँखों से
कानों से खून भी चालू हो जाता है, जैसे जैसे इसका जहर जो है इंसान के शरीर में जो है फैलने लगता है। इस वजह से दोस्तों अगर आपकी जान भी अगर बच जाती है तो हो सकता है उसके जहर के वजह से आपका जो पैर है या फिर जहाँ पर काटी हुई जगह है वहाँ का हिस्सा काटना भी पड़ सकता है, क्योंकि इसके जहर से पूरी स्किन जो है सड़ने लगती है, फूलने लगती है। तो इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी इसका जहर जो है तेज़ होता है, इसलिए ऐसे सांपों से हमेशा दूर रहे। देखिए दोस्तों इस सांप को जल्द से जल्द कर देते हैं हम रिलीज, आइए मेरे साथ। आइए दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर।